दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 50 गज के, जो 50 गज में आप मकान देख पा रहे होंगे। ये बहुत सारे मॉडल्स आपने देखे होंगे। अगर आप KDA के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वहाँ पर अगर जिसको स्मॉल हाउस की ज़रूरत होती है तो 50 गज में एक पर्याप्त घर बन जाता है सिंगल फैमिली के लिए। तो इस 50 गज के मकान में पूरा ओवरऑल विथ कार पार्किंग मैंने डिज़ाइन किया। सिंगल फैमिली आपका बेहतरीन तरीके से रह सकती है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको ऐसा दिखेगा, 3 साइड क्लोज्ड मकान है, तीनों तरफ आपका घर बना होगा। ऊपर से डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये पैनल आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने क्रिएट किया है। और ये आपका एक ग्लास का पैनल लगा हुआ है, यहाँ राउंड शेप में ग्रिल है, ये गेट है, और यहाँ पर कार पार्किंग का भी स्पेस मैंने दे रखा है। तो इसी मॉडल को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। मैं आपको जूम करके सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू दिख सके प्रॉपर तरीके से। मैंने टेक्सचर कहाँ पर यूज़ किया है, ग्रिल कहाँ पर यूज़ किया वगैरह। तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन था। वहीं बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे पहुँचते हैं तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ये आप जो देख रहे हैं एक प्लर टाइप का, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर के लिए है। और मेन डोर आपका ये है, यहाँ से आपका कार पार्किंग का स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये लगभग 19 फीट में मैंने कार पार्किंग की, क्योंकि ओवरऑल 30 फीट इसकी चौड़ाई है। पीछे से 11 फीट निकाल दिए, इसमें बेडरूम लेटन बाथ आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ये किचन एरिया है, ये ओवरऑल पूरा स्पेस अभी आपको कार पार्किंग के लिए मिल जाता है। वहीं राइट हैंड कॉर्नर की बात करें तो यहाँ आपको स्टेयर्स मिलती हैं, जो कि आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे अंदर से और टर्न होकर फिर से अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये पूरी आपकी स्टेयर से डिजाइन हो जाती है ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बेडरूम लेटरिन बाथ किचन कार पार्किंग स्टेयर्स वगैरह देखने को मिल जाती है। अब वहीं बात करें, ये एक देखिए आप विंडो मैंने फ्रंट में दिया है, इससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहा है। इसमें कि विंडो फ्रेम यूज किया है और ग्लास का विंडो है। और ये आपका मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों मैंने ज़्यादा चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको क्लियर शायद ना लग रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये जो लेटेंट बात था उसे मैंने हटा दिया है और केवल बड़ा सा बेडरूम बना दिया है। ये आपका किचन है और यहाँ पर आप देखिए एक बेडरूम बना सकते हैं, जो कार पार्किंग वाली जगह थी, क्योंकि 19 फीट जगह है, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं दो पोर्शन में। तो आप एक बेहतरीन सा बेडरूम आगे फ्रंट में क्रिएट हो जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर को नहीं थी तो मैंने उनको यहाँ पर ओपन स्पेस ही दिया है। और वहीं बात करें, स्टेयर्स आपका सेम टू सेम वहीं रहेगा, लेकिन जो मैंने यहाँ पर आगे बाउंड्री छज्जा बनाया है उस पर मैंने देखिए गेट लगा है, जो कि स्टेयर्स के नीचे से होकर जाता है। इस पर मैंने लेट क्रिएट कर दिया है छज्जे पे, लगभग 3 फीट का है। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, अन्यथा आप इसे लीव कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में देखिए एक डोर दिया है, एक विंडो दिया है, ये राउंड कलर की ग्रिल है जिसमें आप एक्सेस कर पाएंगे इसको इस वाले डोर से। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर की बात करें और फर्स्ट फ्लोर का ये मॉडल बनकर तो वहीं लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर दोस्तों आपको सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, चारों तरफ 4 फीट का बाउंड्री। और टॉप पर आपका ये पैनल मैंने जो कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से क्रिएट किया, ये आपको मिल जाता है। और फ्रंट में आपका ग्लास का पैनल देखने को मिलता है। और ये आपका जो विंडो टाइप का देख रहे हैं, ये ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। तो आप इसे कोई और भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको बेस्ट फ्रंट एलिवेशन चाहिए 15x30 में 50 गज में एक घर आपको सिंगल फैमिली के लिए बनाना है, तो आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इसका 2D मॉडल चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन वो दोस्तों हमारी पेड सर्विस होगी, आप इसका विशेष ध्यान रखें, केवल पेड यूजर ही कॉन्टेक्ट करें। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं, फ्रंट एलिवेशन कैसा लगा ये भी बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।